मेरे बच्चे भी, तारे भाई के बच्चे भी, हम सब लोग इकट्ठे थे। कोई ऐसा मसला नहीं था, हंसी खुशी सब। रात को फिर मेरा उधर वसीना में मैंने बनाया नहीं है, जितना लिखा हुआ है बाग के अंदर, हम लोग उधर चले गए। तारिक भाई सुबह मेरे ख्याल 10-11 बजे ये चले गए सारे फैमिली। कासिम हवेली में अकेला ही होता है ना, या नौकर मुलाजमीन होते हैं, गार्ड होता है। तो हम लाहौर निकल गए, तारिक भाई फैसलाबाद चले गए। अब हमें कुछ पता नहीं, रास्ते में मैं मेरी को गोली लग गई। बेटे ने कहा कि ये पहले भी है, इसको असले का भी शौक है, एक्सरसाइज का बहुत शौक है। लंबी साइकिलिंग इसने 40-40 मील साइकिलिंग की, 12-12 किलोमीटर जॉगिंग करता था। और रात में इनका, मैंने कहा माशाल्लाह यार तू फिट हो गया, और ये का पेट निकल रहा। तो बेटा कहता मैं भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये भी। और मैं तो पहले भी टेस्ट करता रहता था। तो शाह बहराम कहता यार खाली है, क्या कर रहा है तू तो एक्सरसाइज का? कहता यार मैं वैसे ही चेक कर रहा हूँ, ऐसे करके चेक करता गया, टक टक टक। तो वो कहीं कम वक्त उसके अंदर एक गोली थी, वो सीधी इधर आके उधर ही डेथ हो गई। स्ट्रेट में मैंने देखा ऊपर, हार्ट के ऊपर लगी, उधर ही गिरा है, और बस वहीं ख़त्म हो गया। अब पता नहीं मीडिया वाला कोई, जो खबरें आ रही हैं कि दुश्मनी क्या शाखसाना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कुछ। अल्लाह हिदायत दे मीडिया वालों को, ये सिर्फ अपनी मनाव सर्विस चलाने के लिए ऐसी ऐसी बकवास करते हैं जिसका अंदाज़ा है, जिसको जो मिलता है उसका तमाशा बना के रख देते हैं। हक की बात इन बदबख्तों से होती नहीं, और तमाशा बनाने के लिए अपने वो क्या कहते हैं रेटिंग, रेटिंग बनाने के चक्कर में ये सब बकवास करते हैं। असल ये हकीकत है।